दुनिया दे विच चर्चे होगा साडी तों रहमानी दे विच दरिया जिवे नजर पैंदे दूरों बुलबुले पानी दे। अब मैं इसी शख्सियत को दावा देने जा रहा हूँ। देखो ये जो आप सॉन्ग सुन रहे हैं वो आप पहले तो आप सुनते थे इसको ऑडियो में वीडियो में, आज वो लाइव हमारे बैठे हुए असगर पहलवान साहब, जरा क्लैपिंग करिए। आपके भरपूर तक तशरीफ लाते हैं असगर पहलवान साहब, उनका भरपूर ताली से इस्तकबाल कीजिए प्लीज, भरपूर तालियों से। अब आपके सामने असगर पहलवान साहब तशरीफ ला रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट है इनका, क्या प्रोग्राम है आपके सामने। हमने आपके सामने मैं दांत का खिताब देने जा रहा हूँ मोहतरम जनाब असगर पहलवान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करा मैं तेरा ही नाम लैके तेरी हमदो सना बयान मौला, एक लफज अदा नहीं कर सकती तेरे हुक्म बगैर जबान मौला। बेशुमार मखलूक है नहीं अंत कोई, हर एक दा तू रिज़्क रसान मौला। असगर आजिज ते एक मस्कीन बंदा तेरी जात है रब रहमान मौला। बहुत ज्यादा शुक्रिया जिंदा दिलाने आरफ वाला रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट दे मिम्बरान और रहमानी पाइयो, अस्सलामु अलैकुम। तकरीबन 10 साल पहलू जिहड़ा असी इत्थे बूटा लाया सी, अज उहदी छां दे थले किन्ना कु लोगों नू फायदा हो रहा, तुहानू नदीम साहब दस्सिया, तुहानू सरवर साहब ने दस्सिया। अल्लाह तबारक व ताला दी जात इंसान नू मौका देंदा है रब सोना कि अपनी जिंदगी दे विच अपनी आखरत वास्ते लोगों की भलाई कर लै। फिर बेशुमार लोग ऐसे भी असी वेखे ने जिहड़े सिर्फ दौलत दे मगर भजदे ने, लोगों वास्ते टाइम नहीं कढ़दे। अल्लाह तआला दी जात ने 100 बार कुरान पाक दे विच फरमाया कि नमाज पढ़ो, फिर उत्थे ये भी गल कई बार आखी रब सुणे ने कि मेरे बंदियां दा ख्याल करो, गौर करो। अल्लाह तआला दा लख लख शुक्र है साडे मरकजी चेयरमैन हाजी सैफुल अज़िया साहब, मरकजी सदर जनाब तारक महमूद रहमानी साहब, जनाब हनीफ रहमानी साहब नैब सदर नज़र साहब, और उन्होंने नाल हकीम अब्दुल जबार राशिद साहब और दूसरी सारी एग्जैक्टिव बाडी दिन रात इस गल के उत्ते परेशान रहिंदे ने कि असी इस अपनी आखरत वास्ते की करना है, अपनी कौम वास्ते की करना है। अल्लाह तला का लख लख शुक्र है पाकिस्तान दे विच नहीं बल्कि पूरी दुनिया दे विच। अज तो जो 10 साल पहलू असी आए सन तो चंद रहमानी सानू बैठे नज़र आए सन, अज वर्किंग डे होने के बावजूद सारे लोग दुकानदार ने, साड़ी कौम मेहनती कौम में वर्किंग डे यानी कि कम काज का दिन होने के बावजूद एडे एडे सोहने चेहरे जिहड़े ने अज इत्थे तशरीफ लियाए ने, तुहाडे आउण वाले सारे दोस्तों का शुक्रिया। सभे आसरे दुनिया ते हैं झूठे, सच्चा आसरा अल्लाह की जात का है। कामल मिले मुर्शद वली अल्लाह या बेशुमार ऐसिया गल्लां ने, कामल मिले मुर्शद या वली अल्लाह, 10 दिन जा दिन का जो राह निजात का है। क्यों मैं आकड़ के टुरा जमीन उत्ते, मैनू पता जो अपनी औकात का है तो असगर चन्न हयाती का डुब जाना है, आसरा रात की रात का है, थोड़ा जि आसरा थोड़ी जी जिंदगी है, पता नहीं कदों मुक जानी है। अल्लाह का लख लख शुक्र है, मैं अपनी जिंदगी दे विच बहुत कुछ वेख्या, अद्धी दुनिया दे विच जाके कबड्डी की कमेंट्री की, वर्ल्ड कप 2 इंडिया दे विच जाके कमेंट्री की, एशिया कप रैसलिंग की कमेंट्री की, और पाकिस्तान कमेंटेटर एसोसीएशन का चेयरमैन बनया कबड्डी के हवाले नाल। बेशुमार लोगों मैनू इज्जत दी रब सोने ने, मैनू इश्क है अपनी रहमानी लफज के नाल, मैं 8 गाने लिख के अपनी कौम दियां सिफतां लिख के तो गा दिते। पता क्यों वो सदर साहब साढ़े आते होंगे ने कि जो मधुरी स्टेज पर नचती है लोगों को यह होंगे कुछ लोगों को कि ये मधुरी जी ये स्टैप बड़े चंगे ने, पर यह नहीं पता और पिछले पासे स्टेज के पिछे उन्होंने समझाने वाले लोग कि कुछ और तो कुछ स्टैप वो कराने वाले कौन ने। तो मैं इस गल की खुशी होती है सदर साहब हमेशा आते हैं कि असगर पहलवान रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट की मधुरी है। Oh
अच्छा एक गाना जरा कोशिश करेंगे एक गाना तो इतने इंशाल्लाह प्रोग्राम तो बाद सारे दोस्त असी रल के इतने पंडाल खलो के गावे एक तारीख का हिस्सा बन जाएगा। मैं दसदा हाँ पाया कि मैं मीडिया वाले दोस्त जो बड़े राजी हुए उन्होंने आखिया जी असं बड़े गाने थोड़े सुन रहे हैं इंशाल्लाह प्रोग्राम जो तो खत्म होगा सारे दोस्त मिल के स्टेज पर खड़े हो के एक गाना सुनावांगे छोटे छोटे तुसी क्लिप सुना लो सदर साहब क्योंकि मैं ते एक वर्कर हाँ एक सिपाही हाँ रहमानिया का रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट का असल कायद हनीफ साहब जनाब नज़र साहब और साड़ी रहमानी बरादरी का फखर जनाब तारक महमूद साहब उन्होंने तुसी गल्लां सुनोगे। मैं दसदा सां पिया कि अल्लाह तबारक व तआला की जात मैं जो भी जिंदगी दे विच कीता मेरी कामयाबी अगर हुई है तो रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट की वजह दे नाल हुई। अगर तारीख दे विच किसी बंदे ने अठ गाने लिख के रहमानी लफज दी सिफतां लिख के उन्होंने गाया तो वह असगर पहलवान है तो सिर्फ रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट की वजह दे नाल है। अल्लाह तबारक व तआला की जात का लख लख शुक्र है कि उन्हें सानू इस लायक किया कि असी अज तुहाडे सामने खड़े हाँ। बेशुमार लोगों ने आण के गल्लां भी कीतियां दावे किए लेकिन पिछले 22 साल तो दिन रात मेहनत की और अज पाकिस्तान के चप्पे चप्पे रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के मिंबरान ओहदे दौरान तंजीमां जिहड़ियां ने दुखी इंसानियत की खिदमत कर रही ने ये अल्लाह तबारक व तआला की जात का काम है जिन्हों मर्जी चुन लवे। मैं रब का लख लख शुक्र अदा करना कि तेरे कम वाह सुबहान अल्लाह जो करना है कर कमाल देना है तेरी मर्जी है मेरे मौला जिन्हों मर्जी सीधे पासे ला दें जिन्हों मर्जी तू शतानियां फलाण ते ला दे जिन्हों मर्जी चुन लवे अपनी मखलूक की खिदमत वास्ते और रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट चुनिया कि तुसा लोगों की खिदमत करनी है साडा कोई सियासी एजेंडा नहीं ना असी कभी किसी तो कुछ चंदा मंगया अलहमदुल्ला ये कर्म के नाल ही साडे ते कर्म नवाजी हुई तो असी अज सिर्फ यही मैसेज लैके आए हैं कि अपनी आखरत रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट जिहड़ा है वह सानू अपनी आखरत दे जिहड़े संभालन की जा सिखांदा कि तेरे कम वाह सुबहान अल्लाह जो करना है कर कमाल देना है। कई लभदे लभदे मर जाते घर बैठे कई जमाल देना है खाली कईयां दी गोद नू कर देवे कई हुण यतीम ते पाल देना है असगर मंगदे कई जलील हो के बिना मंगिया कईयां नू माल देना है तेरे कम ने मेरे मौला। अल्लाह तआला दा लख लख शुक्र है कि मैं चूंकि सदर साहब दी गल्लां दा मैं खुद भी बहुत फैन हाँ अल्लाह का लख लख शुक्र है। साढ़े चेयरमैन साहब का एक मैसेज से उन्होंने तबीयत खराब होने की वजह नाल नहीं आए मैनूं खसूसी तौर पर आते हैं कि आरफ वाला यूनिट बहुत अच्छा काम करता पाया अलहमदुल्ला उन्हें अगे एक दरखास्त करनी कि जो कुछ भी कर दे हैड ऑफिस इस्लामाबाद मरकजी ऑफिस के लिख के जरूर जरूर भेज दिया करो ताकि साढ़े एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए साढ़े मरण तो बाद भी लोग ये गल आखन के आरफ वाले कुछ लोग सन जिन्हां ने यह भलाई के काम किए सन तो अल्लाह का लख लख शुक्र है। जो लग जाती है जिथे लग जाती है जो नस्ली लोग होंगे ने खानदानी लोग होंगे ने छड़दे नहीं अगर असी 10 साल पहलू आरफ वाले की रहमानी बरादरी के नाल यराना लाया सी तलक बनाया सी इन्हां नूं ये दस्या सी कि खिदमत करनी है तो अल्लाह के फज़ल नाल अज भी इन्होंने एक फोन किया असी हाजिर हो गए कि असल ला के कदे बिगाड़ दे नहीं असल जार हो जाता कमीनियां दा असल नाल जिसते बैठ के खा लेंदे कदर जान दे साला महीनिया दा कम असल ना किसे दे कम होण भावें खून पला दे सीनिया दा असगर पहलवाना बेशुमार ऐसिया गल्लां ने बेशुमार ऐसे मैं मसाला दे सकना कच्चे कच्च की यारी लाण जिहड़े कदर जानन कि सुचे नगीनिया दा जिहड़े सुचे नगीनिया की कदर जानते ने उ नस्ली लोग होंगे ने अल्लाह तबारक व तआला की जात तुहानू हिम्मत देवे इस तंजीम का साथ दिओ क्योंकि इन्हों का मिशन है कि इंसाना की खिदमत करनी रब राखा।